हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने मोबाइल पर SMS के थ्रू BSES यमुना या फिर BSES राजधानी का अपना बिजली का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये BSES यमुना और BSES राजधानी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमारा BSES कंपनी में रजिस्टर्ड होता है तो BSES कंपनी हर महीने हमारे मोबाइल पर SMS के थ्रू हर महीने हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल सेंड करती रहती है। तो इस SMS में हमारा CA नंबर, हमारे बिजली के बिल का अमाउंट, ड्यू डेट और कितने किलोवाट बिजली हमने खर्च की है, ये सारी डिटेल इस SMS में लिखी हुई है। और यहाँ पर हमें एक लिंक भी मिल जाता है, अगर हम यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके अपना बिजली का बिल डाउनलोड करना चाहें या फिर पे करना चाहें तो यहाँ से हम इजिली पे भी कर सकते हैं। तो इस लिंक को क्लिक करके हम CA नंबर एंटर करके अपना या फिर अपने दोस्त, रिश्तेदार, नेबर या किसी कस्टमर का बिल हम यहाँ पर इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का BSES का वेबसाइट का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है CA नंबर। हमें यहाँ पर सिर्फ अपना CA नंबर एंटर कर लेना है जिस किसी का भी हम बिजली का बिल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली CA नंबर एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बिजली के बिल का CA नंबर एंटर कर लिया है और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, व्यू बिल और पे बिल। अगर हम यहाँ पर बिल डाउनलोड करना चाहें यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर अपना बिजली का बिल पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इजिली पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिजली का बिल डाउनलोड कर लेते हैं, व्यू बिल पर हमने क्लिक किया और एक PDF फाइल में हमारा बिजली का बिल डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, तो हम यहाँ पर सिंपली ओपन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, डाउनलोड पर हमने क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर वन ड्राइव PDF व्यूअर में हम क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली का बिल हमारा शो होने लगा है। तो यहाँ पर बिजली का बिल हमारे घर पर आने से पहले ही हम अपने मोबाइल में यहाँ पर इजिली चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिट बिजली हमने यहाँ पर खर्च की है या फिर कितना हमारा बिजली का अमाउंट है, कितनी सब्सिडी है और क्या क्या चार्जेस लगे हैं, सब कुछ हम यहाँ पर इस बिजली के बिल में चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपने किसी दोस्त के बिजली के बिल का CA नंबर एंटर करके बिल को निकाल लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। CA नंबर हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है, अगर आप बिल को देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, पे करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर व्यू बिल पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा बिजली का बिल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में। अब यहाँ पर हमें ओपन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा PDF फाइल में बिल डाउनलोड हो चुका है, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपने फ्रेंड का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पर डाउनलोड किया है और यहां पर सारी डिटेल निकल कर आ चुकी हैं, कितनी सब्सिडी मिली है, कितना बिजली के बिल का अमाउंट है, कितने यूनिट यूज किए हैं, वो सारी डिटेल यहां पर शो होने लगी है। तो अगर यहाँ पर हम अपना या फिर अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी कस्टमर का बिल पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर CA नंबर एंटर करके पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इजिली बिल पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। पे बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 1060 रुपए का हमारा बिजली का बिल है, ये हमारे फ्रेंड का बिल है, तो यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। और अगर हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहें तो हम ITZ कैश, पेटीएम या फिर बिल डेस्क से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं इजिली, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से। तो आप यहाँ पर जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहें तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पे नाउ कर लीजिए। पे नाउ करने के बाद आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बिल डेस्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपने क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI, गूगल पे, फोन पे, किसी से भी हम यहाँ पर इजिली पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर अगर हम पेटीएम पर क्लिक करेंगे तो पेटीएम पर जाने के बाद, पे नाउ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें अपना पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप एंटर करके प्रोसीड करके इजिली आप यहाँ पर अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं। बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर अगर हम ITZ कैश से करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, पे नाउ करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर अपना एक एबिक्स कैश की ID डालनी पड़ेगी तो उससे हम यहाँ पर इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो सारा पेमेंट मेथड आपको बता दिया है यहाँ पर किस किस से आपको पेमेंट करनी है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर BSES की वेबसाइट से अपना CA नंबर एंटर करके बिल पे करते हैं तो आपको कोई भी किसी तरह का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपना CA नंबर एंटर करके डायरेक्टली पेमेंट करके आप अपना बिल पे कर सकते हैं बिना अकाउंट क्रिएट किए। और यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर BSES कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप BSES के ऑफिस में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर BSES में रजिस्टर करवा सकते हैं और आप हर महीने SMS के थ्रू बिल पा सकते हैं और बिल आने से पहले आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में SMS के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल आने से पहले डाउनलोड भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।